के अंदर ना बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। क्या क्या मेरी मेरा बेटा होता है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट। जब तक आपको ये याद नहीं ना होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सर वो कैसे याद करना है? बेटा देखो, सबसे पहले आप लिखते हो इधर ओपनिंग स्टॉक, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। इधर क्लोजिंग स्टॉक, बेटा इधर परचेजेस, और इधर बेटे सेल्स। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके इनको हम नेट सेल्स कहते हैं बेटा। सेल में से जब सेल्स रिटर्न माइनस होती है तो उसको बेटा नेट सेल्स, और परचेजेस में से जब परचेजेस रिटर्न माइनस होता है मेरा बच्चा तो उसको कहते हैं नेट परचेजेस। अच्छा, परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, और बच्चे सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को। और रिटर्न आउटवर्ड बेटा किसको बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न। सर मेरे ख्याल से परचेजेस को बोलते हैं इनवर्ड। नहीं बच्चे मैं बताता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था ना मैं भी इसी तरह कंफ्यूज होता था। नौरीन पुत्र, जब सेल्स होती है ना तो वो आउटवर्ड आउट होती है ना चीजें, जब सेल करते हैं तो चीजें क्या होती हैं? आउट। अब उस बंदे को पसंद नहीं आई तो नौरीन बोलते हमें दे जाएगा ना वापस। वो बेटा क्या करेगा? हमें वापस दे जाएगा। जब वो वापस दे जाएगा तो चीजें इन हो जाएंगी वापस, समझ गए बच्चे? तो इसलिए सेल्स रिटर्न, बच्चे जब हमने बेची नौरीन तो आउट हुई, जब वो वापस आई तो इन हो जाएंगी। जब हमने खरीदी तो वो परचेजेस की तो इन हुई, हमारे पास इन हुई ना, हमारी जेब में इन हुई। और जब हमें वो पसंद नहीं आई, हमने वो वापस कर दी, तो फिर बेटा क्या हो जाएगी? सर फिर वो आउट हो जाएगी। ठीक है, सही लिखा है बेटा मैंने। इसके नीचे एक लंबी लिस्ट है किसकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये बेटा सारे क्या हैं? सर ये तमाम के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सर मुझे ये बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्ट है? बेटा ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो के मैन्युफैक्चरिंग से पहले, जब तक चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं ना हो जाती तब तक जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब तक चीज़ बन के तैयार नहीं हो जाती, स्टोर में नहीं जाती, तब तक जो खर्चे होंगे वो क्या होंगे हम बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट। आप जेन में सोचो, हम चेयर्स बनाते हैं, हमारा बेटा चेयर्स बनाने का काम है। कैरेज इनवर्ड, हम वो लकड़ी उठा के ले आए चेयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये कार्टेज, कार्टेज पता क्या होता है? ये भी कैरेज होती है, लेकिन जो गधों के जरिए घोड़ों के जरिए वो काट काट नहीं बोलते थे, छकड़े को काट बेटा, छकड़े को बोलते हैं। वो रेड़ा जो होता है या घोड़े के पीछे लगाया होता है, बैल के पीछे लगाया होता है, उसको कार्टेज बोलते हैं, ठीक है। डॉक चार्जेस, सर जब हम चीजें रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं ना, तो जब हम पैसे देते हैं सी पोर्ट पे बेटा, हम जब समंदर की बंदरगाह पे जब क्लियर करवाते हैं ना, तो वहाँ पे हम डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस दोनों वहाँ पे करते हैं बेटे। ये वो चार्जेस होते हैं जो हम पोर्ट पे समंदर पे करते हैं। वेजेस, अब वो लकड़ी हमने जिसको हैंड ओवर की कि भाई इसकी चेयर बनाओ, उसको मजदूरी देनी है, वो बेटा क्या हो जाएगी? वेजेस। ये कस्टम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सरसाइज और ऑक्ट्री ड्यूटी, बेटा ये पांचों टैक्सेस हैं, ये कस्टम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइज और ऑक्ट्री, ये पांचों नौरीन पुत्र टैक्सेस हैं। ये वो टैक्सेस हैं जब हम चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या चीज़ें एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल करते हैं, तो एक सूबा दूसरे सूबे को या एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है, वो कहाँ से देगा? हमसे ही लेके देगा ना, हमसे ही लेके, उसको बेटा हम ये टैक्सेस बोलते हैं, कस्टम एक्साइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑक्ट्री। फ्रेट इनवर्ड क्या होता है? सर अगर हम रोड के जरिए चीज़ें गाड़ी पे उठा के लेके आ रहे हैं वो होता है कैरेज इनवर्ड, अगर हम रेल के जरिए ला रहे हैं वो फ्रेट इनवर्ड।
अगर हम जहाज के जरिए ला रहे हैं वो फ्रेट इनवर्ड, अगर हम पानी के जरिए ला रहे हैं वो भी फ्रेट इनवर्ड। ठीक हो गया पुत्र, कैरेज और फ्रेट में दोनों में डिफरेंस। स्टोर कंज्यूम्स नॉरीन क्या होते हैं? सर जब हमारी जो मशीनें चल रही होती है ना, उनको जो हम तेल वगैरह, बेटे ऑयल, ग्रीस, तेल, उनकी ओवरहॉलिंग, वो क्या होता है सारा स्टोर कंज्यूम्ड में जाता। मोटिव पावर, बच्चे नॉरी, मोटिव पावर होता है जिससे मशीनें मोटिवेट होती हैं। सर बिजली, बिजली पे चलती हैं मशीनें, और बेटा किस पे चलती हैं नॉरी? सर और गैस पे चलती हैं और कोयले पे चलती हैं। तो ये तमाम क्या होंगे? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ये सारी क्या होंगी? मोटिव पावर। रॉयलिटी क्या होता है? सर अगर हमने किसी का, किसी से उसका बना बनाया फार्मूला लिया जिसको हम बना के बेचना चाह रहे हैं, तो उसको हम मंथली कुछ ना कुछ पैसे देंगे, उन पैसों को रॉयल्टी बोलते हैं। और लास्ट पे बेटा मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मिसलिनियस में सारे ही मिसलिनियस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब नौरीन पुत्र इनको ऐड करेंगे, इनको माइनस करेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ये बड़ी है, ये छोटी है, तो हमारा ग्रॉस लॉस आ जाएगा। बेटे तैयार कर लोगे? जी सर, कर लूंगी। अच्छा पुत्र, अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने लगा हूँ बैलेंस शीट। क्या पढ़ाने लगा हूँ? बैलेंस शीट। ठीक हो गया। बैलेंस शीट में बेटा जो एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और बेटा प्रीमिसेस, ठीक है, और गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। बेटा ये लिस्ट है एसेट्स की। नौरीन ये मनोआन मेरी तरह रट्टा लगाना है। आप मेरी आंखें बंद करवा लो ना और मुझसे पहला कलमा सुन लो तो मुझे याद है, उस तरह याद करना है इनको, ठीक है ना, कि याद हो जी वैसे। और बेटा ये है हमारी सर, ये लाइब्रेरी। नेचुरल एसिड है ना, लैंड बिल्कुल एंड बिल्डिंग वाले। जी, फिक्स एसेट्स हैं बेटा। लाइबिलिटीज में बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, अकाउंट पेबल, बिल पेबल, क्रेडिटर और कैपिटल आते हैं। ठीक हो गया। सर आपने दरमियान वाला क्यों छोड़ा है? नौरीन हमेशा याद रखना पुत्र, मेरा एक स्टाइल रहा है कि मैंने हमेशा बैलेंस शीट और ट्रेडिंग के आइटम्स को याद किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को मैंने कभी याद नहीं किया। ठीक। तो सर फिर आप कैसे कर लेते थे? बेटे जो ट्रेडिंग में नहीं आता था वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो बैलेंस शीट में नहीं जाता है वो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मैंने इसको ऐसा रट्टा मारा ना, ऐसा रट्टा मारा कि मुझे मुझे 100% नॉरिंग पता था कि बेटा ये यहाँ नहीं जाता ट्रेडिंग में। मैंने हाथ मारा कि बैलेंस शीट में तो नहीं जाता, उधर भी नहीं गया, तो फिर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा तो सर वैसे ये तरीका तो आसान है, लेकिन फिर भी नॉरिंग बेटा इनको आपने कम अज कम 5 दफा देख के पढ़ना है, 5 दफा देख के पढ़ना है। जैसे सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, इंश्योरेंस, बैंक, लीगल, रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, ऑफिस, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और इधर बेटा जिसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस की, इनकम हाँ प्रॉफिट, इनको अदर इनकम्स वैसे बोलते हैं बेटा, इनकम्स भी कहते हैं, अदर इनकम्स भी कहते हैं, सही कह रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में कौन से आइटम्स जाएंगे नौरीन? सर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में वो आइटम्स जाएंगे, उनके साथ या तो लिखा होगा रिसीव्ड, या लिखा होगा लफ्ज रिसीट, या रिसीव्ड लिखा होगा या रिसीट, या वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होंगे। बेटा वो आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होंगे वो भी इधर जाएंगे। ठीक हो गया। अब बेटा मैं आपको आज स्टार्ट करवाने लगा हूँ एक मजे की चीज, उनको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। नौरीन पुत्र क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की किधर जाता है? सर क्रेडिट साइड पर। और बैलेंस और शीट में, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। बिल्कुल सही कह रहे हो, एसेट साइड पर।
बिल्कुल बेटे सही कहा है, बैलेंस शीट की एसेट साइड किधर जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लास ले रही हूँ बेटा, मामा क्लास ले रही हूँ बेटा, ले रही हूँ जी मैं खाने। उत्तर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर ये क्या होते हैं? बेटा नरीन आपने ना जाके एक सूट लिया जाके खाड़ी से, ठीक है, खाड़ी वालों उधार नहीं करते, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास 2000 है, 1000 रह गए, तो वो जो 1000 होंगे वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। नरीन आपने बेटा घर में घर बना रहे हो, मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी 20,000 बनी, 15,000 दे दिया, वो 5,000 आउटस्टैंडिंग है, बकाया। बकाया नौरीन पुत्र, बकाया जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब बकाया दो तरह के होते हैं, या तो एक्सपेंस या इनकम। तो बेटा जो आपने देने हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जो रिसीव करने हैं वो आउटस्टैंडिंग इनकम। नौरीन कैसे पता लगेगा कि ये आउटस्टैंडिंग है बताओ जरा? उर्दू का एक लफ्ज मैंने बताया है सर, बकाया। क्या बोला है मैंने बेटा? बकाया। बकाया क्या होता है? बकाया की डेफिनेशन बताओ। हाँ बेटे, हल्का फुल्का सिग्नल कटा है, अल्लाह आपको। बेटे मैं आपको क्या बता रहा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बकाया एक्सपेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, ये इसके सारे नाम हैं मोरीन, इसके ये सारे नाम हैं, क्या क्या बेटा? एक्सपेंसेस एरियर, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस नॉट पेड, एक्सपेंसेस अनपेड, और बेटा मैंने क्या बोला है सर? और आपने बोला है एक्सपेंसेस एरियर, ये सारे इसके नाम है। नौरीन आपको आवाज आ रही है पुत्र? मुझे ये बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर जो बकाया होते हैं, जो किसी के देने हैं हमने पैसे, वो आउटस्टैंडिंग है, और क्या है? अच्छा बेटा इसको इंग्लिश में इसके कितने नाम है? सर इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, इसको आउट एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल कहते हैं, एक्सपेंसेस नॉट पेड कहते हैं, एक्सपेंसेस अनपेड कहते हैं, और एक्सपेंसेस एरियर कहते हैं, ठीक हो गया। क्या करूं इसका? सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आप लिखें और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी बना दें, बस ये काम करना है। नौरीन इसको क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड पे लिखूं? डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में क्या बना दूं? लायबिलिटी बना, बस लायबिलिटी। अब इसके उल्ट क्या होगा? सर इसके उल्ट होगा आउटस्टैंडिंग इनकम, उसको एक्रूड इनकम कहते हैं, इनकम नॉट रिसीव्ड, इनकम अनरिसीव, या इनकम एरियर। सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखें, उसको डेबिट में लिखा था, इसको क्रेडिट में लिखें, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में एसेट। अच्छा नौरीन पुत्र ये देखो, ये बेटा पेएबल है ना, जो पेएबल होता है वो लायबिलिटी होता है, बेटा जो रिसीवेबल है वो क्या होगा नौरीन? सर वो एसेट होगा। बेटा जो रिसीवेबल है वो इनकम में, जो पेएबल है वो एक्सपेंस में, ठीक हो गया। चलो yes, अब मुझे बताओ ये कोई मुश्किल है एडजस्टमेंट? मैं आपसे सिंपल ये पूछूंगा नौरीन, इतना पुत्र याद आपने करना है कि सारे आउटस्टैंडिंग डेबिट में जाता है और लायबिलिटी में, और सर जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो क्रेडिट में जाती है और एसेट में। इसमें कोई ऐसी बात है बेटा जो हमें याद ना हो? नहीं सर कोई नहीं है। नेक्स्ट
बेटा नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, या इसको कहते हैं पेड इन एडवांस, कभी कभी इसको कहते हैं पेड अप टू। मैंने जो मैक्सिमम नाम इसके हैं ना वो सारे आपको बता दिए, ठीक हो गया। अब बच्चे ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉरीन, इनका बेटा पता है क्या होता है? इसको दो तरीके हैं करने के, इसको या तो लिखें प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर, क्या करें बेटा, बल्कि आप छोड़ो, आप आसान वाला तरीका लिखो। प्रीपेड होते क्या है सर? पेड इन एडवांस, यानी जो हमने पहले से ही, बंदे ने अभी काम ही नहीं किया, हमने पहले पैसे दे दिए, उसको हम पेड इन एडवांस कहते हैं। सर जिसका हम, जिस एक्सपेंस का हमने प्रीपेड निकालना है ना, वो एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या होगा बेटा? क्वेश्चन में गिवन होगा। जिस एक्सपेंस का हमने क्या निकालना है, प्रीपेड निकालना है, वो एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक हो गया। हम पुत्र करेंगे क्या सर? हम ये करेंगे कि उस प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस किधर पड़ा होगा बेटा? डेबिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस कहाँ पड़ा होगा? डेबिट साइड पर। उसमें से इस प्रीपेड को हम क्या कर देंगे? उसमें से लेस कर देंगे ये जो प्रीपेड हमें गिवन होगा, और बैलेंस बना। हाँ सर, आपने ये लिखा है कि जो एक्सपेंस जिसका प्रीपेड निकालना है ना, वो क्वेश्चन में लाजमी गिवन होगा। वो एक्सपेंस क्वेश्चन में लाजमी गिवन होगा। जब वो गिवन होगा तो उस एक्सपेंस में से ये प्रीपेड हम क्या कर देंगे? माइनस, और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी एसेट बना देंगे। अब बेटा इसी तरह नेक्स्ट, बिल्कुल, और ये इसके प्रीपेड एक्सपेंस जो लेस होते हैं वो उधर एसेट में जाते हैं। बिल्कुल। अनअर्न्ड इनकम सर, अनअर्न्ड इनकम जिसकी हमने अनअर्न्ड इनकम निकालनी है, वो इनकम क्वेश्चन में गिवन होगी। उसकी बेटा उस प्रॉफिट एंड लॉस में, उस इनकम में से इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। किसको? अनअर्न्ड को बेटा, अनर्न्ड को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एक मिनट बेटा। जी आई सर। हाँ जी, मैं पूछता, मैं होना पूछता, मैं पूछता। सर आपने ये कहा है कि जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो इनकम गिवन होती है, इनकम गिवन होगी, उसमें से हम बेटा वो जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जो इनकम गिवन होगी, उसमें से इस अनअर्न्ड को लेस, और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी बना देंगे। डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, और जिस एसेट की होती है उस एसेट में से माइनस, और लास्ट में पुत्र इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नौरीन आज पुत्र मैंने आपको